तो यहाँ पे ये जो नोटिस आपको दिख रहा है, ये काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा का है। तो आप सभी जानते हैं कि ओडिशा में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, तो अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग रूल्स बना सकते हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। अलग अलग बोर्ड अलग अलग हिसाब से अपने बच्चों के लिए अलग अलग रूल्स निकाल सकते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने वहाँ के जो बोर्ड है उन्होंने अपने बच्चों के लिए रीजन जो निकाला, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स होंगे, जितने भी स्कूल से बच्चे हैं उन सभी के लिए, जो रेगुलर वाले बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं उनके लिए जो स्कोर्स होंगे वो कैसे अवॉर्ड होंगे, विल बी अवॉर्डेड टू द रेगुलर एग्जामिनीज इन द थ्योरी पेपर, थ्योरी कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेपर ऑन बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनी इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो बच्चे क्लास 12th में थे उनको कैसे मिलेंगे, जो 10th बोर्ड एग्जाम था उसके बेस पर उन्हें क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और फॉर दिस पर्पज अ डिटेल्ड सब्जेक्ट मैपिंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है स्कोर्स इन थ्योरी पेपर्स फॉर एक्स रेगुलर एग्जामिनीज। एक्स रेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस CHSE एग्जामिनेशन विच दे हैड अपीयर। यानी कि जो पिछला जो एग्जाम है वो अपीयर हुए हैं उसके बेस पे उन्हें मिलेगा। तो अब यहाँ पे अपील करी जा रही है कि इसी हिसाब से जो CBSE है उसको भी एक्शन लेना चाहिए और अपने प्राइवेट वाले बच्चों के लिए भी ऐसे ही कोई ना कोई रूल निकालना चाहिए। सब सब यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन सेकंड वीक ऑफ अगस्त। अगस्त के सेकंड वीक तक जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो एडवोकेट अनुभव श्रीवास्तव जी ने शेयर करी हुई है और साफ साफ लिखा भी हुआ है, CBSE रिक्वेस्ट भी कर रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस एंड पास द प्राइवेट कंपार्टमेंट रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी बच्चों की डिमांड है। अब देखते हैं CBSE पर क्या फैसला लेती है, और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहे या फिर अगर बोर्ड चाहे तो प्राइवेट वाले बच्चों के लिए भी कोई ना कोई रूल निकाल सकता है। तो CBSE को थोड़ा सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए जिससे प्राइवेट वाले बच्चों को फ़ायदा हो सके, और अगर वो चाहें अपने मार्क्स बढ़ाना चाहें तो अपने एग्ज़ाम में फिर से अपीयर होने का भी एक चांस मौका उन्हें मिलना चाहिए। अगर एग्ज़ाम वो नहीं दे पाएंगे तो कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम देना है, अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, तो बाद में जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए तो एग्ज़ाम कलेक्ट करा ले जाएँ और उस समय जो बच्चे चाहते हैं इम्प्रूव करना वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखते हैं अब होगी या नहीं होगी, किस तरह इम्प्लीमेंट होगी, अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जा रही है ऑलरेडी। तो आप सभी के लिए अपडेट थी थोड़ी सी जो ओडिशा से आई है, और एक और अपडेट ये है जो आसाम वाले बच्चे हैं उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरे को समझ आओ। थैंक यू सो मच।